हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकार ट्रेडर्स। आज जैसे कि आप हर एक वीडियो में हर एक क्लास के बाद स्टूडेंट फीडबैक पाते हैं, तो आज भी हम 10th अगस्त का बैच को यहां पे खत्म कर रहे हैं एंड पूरा स्टूडेंट से हम ये जानेंगे कि उन लोग क्या सीख पाए क्लास के अंदर, क्या क्लास लेने के बाद उनको कोई टिप्स प्रोवाइड करने की जरूरत होगा, क्या उनको कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करने की जरूरत होगा। इन तमाम बात को हम स्टूडेंट का मुँह से सुनेंगे कि जिन लोग ऑनलाइन पे क्लास कर रहे थे। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियो देखा हूँ जहाँ पे एक पर्सनल पर्टिकुलर किसी बंदे को खड़ा करके कुछ बुलवाया जाता है, बट हमारे ये सरकार ट्रेडर्स आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं और आप देखे होंगे जो सरकार ट्रेडर्स ना ही किसी मैसेज को डिलीट करता है और ना ही किसी फ्रॉड वाला काम यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे सब लोग हम ऑनलाइन पे है, सब लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं एंड उनसे ही हम पूछेंगे क्या ये लोग क्लास के अंदर जो चीज मैं सिखाया हूँ आगे इनको काम आएगा कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे लोग हम क्लास कर रहे थे एंड हम सबसे पहले संदीप जी से कुछ पूछना चाहेंगे, उसके बाद बाकी स्टूडेंट से, दो चार स्टूडेंट से ही बात हो पाएगा क्योंकि सभी स्टूडेंट से बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके संदीप जी बोलिए। सर, मैं आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फर्स्ट टाइम अभी तक मैंने इन्वेस्ट कहीं किया नहीं, सिर्फ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा। एक दिन जो आपने कॉल लिया था, मेरे ख्याल से टाटा स्टील का मैंने एक ही क्वांटिटी बाय किया था, उसमें 2.10 को जितना पैसा प्रॉफिट किया था, उसके बाद मैंने लगाया नहीं पैसा। मैं सिर्फ अभी एनालिसिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैंने आपका जो वीडियो रिवाइज कर रहा हूँ उसके बाद में वैसे समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है कि अपने खुद से समझो विदाउट सपोर्ट में खुद कैसे काम कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं स्टडी कर रहा हूँ सर। अभी तक मैंने कुछ पैसा लगाया नहीं कुछ अभी तक। अभी कल आप एक कॉल देंगे उसमें एनालिसिस करके फिर उसमें स्टडी करके फिर बाय करूंगा सर। चलिए, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में आने से पहले सीखना। बहुत लोग क्या करते हैं, ह्यूज नुकसान करने के बाद सीखने के लिए आते हैं। तो मैं फ्रेंड्स ये गाइड करता हूँ कि पैसे लगाने से पहले आप सीखिए, सीखने के बाद फिर पैसे लगाएंगे। चलिए, थैंक यू संदीप जी। नेक्स्ट किससे बात करेंगे? डॉक्टर नेहा जी। मुझे इस बात का बहुत प्राउडनेस होता है कि मैं देखो इस क्लास के अंदर डॉक्टर साहब जैसे लोगों को मैं कुछ और सिखा पाता हूँ कि आप लोग देखिए इस कोरोना स्थिति में हमारा कितना हेल्प करते हैं। आप अपना जो बहुत ही एक रिस्क लेके, मैं भी डिफेंस में था तो हम भी कुछ काम करते थे और आप लोग तो डिफेंस पर्सन से भी ऊपर अभी काम कर रहे हैं, तो थैंक यू डॉक्टर नेहा जी। अगर आपके तरफ से कुछ माइक को ऑन कर लीजिए, एक बार माइक को ऑन करके आपका माइक म्यूट है अभी। सर, मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ करीब एक साल से रेगुलरली। okay. मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करती थी बट आपका जब मैंने ये क्लास किया उसके बाद मैंने स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट की और एक्यूरेसी में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले लॉसेस भी होते थे, प्रॉफिट भी होते थे, बट अब प्रॉफिट ज्यादा है, लॉसेस मेरे लिमिटेड हो गए। स्टॉप लॉस का आइडिया हो गया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे करना है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है आगे काफी बेनिफिशियल रहेगा और आने वाले टाइम में शायद मैं काफी सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊँ शायद। मतलब खुद से पहले भी आप खुद से ही ट्रेड करते थे? जी सर। ओके, और अभी भी आप खुद से ट्रेड कर पाए? लेकिन कभी क्लास नहीं किया सर, किसी से कभी क्लास नहीं किया, खुद से ही ट्रेड कर रही थी, खुद से ही मार्केट का, बट मुझे काफी चीजें नहीं पता थी, मैं इस क्लास के बाद पता चली। मतलब मैंने बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी है बट कभी उतना क्लियरली उसमें नहीं था। आपकी तरफ से जो टिप्स है, जो छोटे छोटे, वो मुझे बहुत हेल्प करती है इंट्राडे स्पेशली, मैं बहुत खुश हूँ ट्रेडिंग करके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम किससे बात करेंगे? दिनेश गाड़ेकर। ओके दिनेश जी बोलिए। हां सर, पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि सच में ऐसा कुछ टेक्निकल। अच्छा, प्लीज आप लोग किस सिटी से बोल रहे हैं? दिनेश जी एक मिनट, आप लोग किस सिटी से बोल रहे हैं ये भी थोड़ा सा मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बोल रहा हूं। ओके, पता नहीं था कि टेक्निकल भी ऐसा कुछ होता है, बट बहुत सारा लॉस हुआ बाद में ट्रेड पुटिंग की, तब जाके इट्स ऑल अप टू डिपेंड अपॉन टेक्निकल बेसिस। तो सर के साइड से बहुत नॉलेज मिला। हेलो, तो आई एम ट्रेड। कितना दिन से ट्रेड कर रहे हैं आप?
आप कितने दिनों से ट्रेड कर रहे हैं? मैं 1 ईयर से ऑलमोस्ट। ओके ओके, बट अभी तक क्या रिजल्ट मिल रहा था और अभी आगे, अभी जो क्लास करते करते क्या रिजल्ट मिला है, आगे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना तो मुझे क्लियरली कंफर्म हुआ कि अभी आगे जाके मैं अच्छा खुद से ट्रेड कर पाऊंगा। अच्छा, ये गारंटी मुझे मिली है। चलिए, अभी क्लास चलते चलते कौन कौन से लोग है जो ट्रेड कर रहे थे और कुछ मुनाफा कमाए होंगे, कौन है, कोई है क्लास चलते चलते? मैं देखो हमेशा मैं मना किया हूँ, फिर भी कोई लोग क्लास चलते चलते ट्रेड किए होंगे। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? मैं हूँ सर, एक सर मंजुल राणा। हाँ मंजुल राणा जी बोलिए। सर मैं पहले 1 साल से कर रहा हूँ, डॉक्टर से हूँ, और अब जो है आपके बताने से बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए छोटे छोटे, जिससे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह मोटा मोटा मिल जाता है और पिन पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पहले लॉस भी होता था, प्रॉफिट होता था, लेकिन अब पूरी तरह प्रॉफिट होता है। चलो, ऑप्शन में निफ्टी या बैंक निफ्टी में समझ पा रहे कहाँ पे बाइंग करना है आपको, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है? सर मैं नागेश जोशी पुणे से बात कर रहा हूँ। okay. इससे पहले मैंने एक पेड चैनल ज्वाइन किया था जिसका 4,000 रुपए महीने का मैं देता था। अच्छा। लेकिन उसमें वो जो टिप्स देते थे तो उनका और मेरा मतलब जो बात जो नॉलेज मुझे था वही नॉलेज वो देते थे। अच्छा। तो उससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं, तो फिर बाद में मैंने क्या किया, जब आपका तो टेलीग्राम चैनल में बहुत दिन से फॉलो करता था, तो आप जब जब से आपका क्लास ज्वाइन किया और पहले दिन आपने जो बाय करने के लिए बोला था, तो उसका मैंने स्टॉक लेने के बजाय ऑप्शनल बाय किया। ओके। तो पहले दिन मुझे कम से कम 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और सर आज 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 का प्रॉफिट जो शुरू में आपने टाटा स्टील का पूर दिया था। हाँ। और उसके बाद में मैंने जो सपोर्ट लेवल आया तो मैंने बाय किया, तो मैंने आप टाटा स्टील का सपोर्ट को पहचान पाए। थैंक यू। हाँ बोलिए सर, मैं इस्माइल अंसारी झारखंड से बोल रहा हूँ सर, कोडमा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। जब मेरे सर मार्केट में मैं काफी 2017 से मैं मार्केट को वॉच आउट कर रहा था सर। okay. मैं सेल्फ ही ट्रेड कर रहा था, अभी तक कहीं से पेड सर्विस नहीं ली थी। आपका मैं टेलीग्राम फॉलो करता था सर, लेकिन सर आपके आपसे क्लास लेने के बाद मुझे ये चीज लगा कि मार्केट का जो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या स्टॉक, उसका रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, ब्रेकआउट लेवल, ये 2-3 चीज सर मेरे को निकालने आ गया सर। और मैं एक्सपायरी में सर मैं निफ्टी पे सर 25,000 का प्रॉफिट किया था सर, पुट पे सर। ओके ओके। तो सर ये सब चीज सर मेरे पास जब मैं अपने खुद से लेवल निकाल करके सर उस पे जब ट्रेड करता सर तो अच्छा लगता है सर। और सर आपका इसमें सर बहुत बड़ा योगदान था सर, हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह जो भी लेवल सर निकालने सर वो आपने मेरे को भरपूर सिखाया सर इसमें सर। आपके चैनल सर में खुद से ट्रेड निकालना भी आ गया सर, इंदा मनी कॉल से कोई भी कॉल हो सर उसका मनी टारगेट लगाना हर एक चीज सर बखूबी आने लगा सर। चलो थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए सभी से बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बाकी कोई अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि सर मेरा बात नहीं लिया है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई सुझाव है वो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। ओके, जो यहाँ पे जिन लोग से बात नहीं हो पा रहा है। ओके तो ठीक है। हाँ कोई अभी ये आपके हमारे वीडियो देखेंगे ना सर, हर एक यूजर को, हर एक व्यूअर को मेरा जस्ट ओपनली बाय हैंडली एक सजेशन रखेगा, 7,000 हम 2,000 जीत करके इजीली बुक कर सकते हो, बट ह्यूज लॉस करने से पहले मेरी सबको एक गुजारिश या रिक्वेस्ट रहेगी कि 7,000 हमारे कहाँ नहीं चल जाएंगे, बट प्लीज सीख लो, क्योंकि सीखने से ही मिलेगा। आपकी एक फेवरेट लाइन है सर, फर्स्ट लर्न बहुत सारे लोग पूछते हैं सर निफ्टी में आज क्या होगा, मैं अपना हिसाब से तो बता देता हूँ,
लेकिन फिर भी वो लोग नुकसान कर जाते हैं। क्यों? उनको उनके अंदर वो लर्न नहीं है। तो मैं बाद में उनको ये बोलता हूँ, देखो आपको मैं ये लेवल तो बताया था, अब उस लेवल पे जब आ गया है तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, ओके? तो इसलिए आपके अंदर लर्निंग का बहुत जरूरी है। एक दिन में आप 10,000, 20,000, 50,000 लेकिन हम 7,000 बड़ा महंगा पड़ता है सीखने के लिए। चलिए ये अपना 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 सोच होता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होता है जब लॉस करते करते पूरा खत्म हो जाता है ना, 2 लाख से काम शुरू किए थे अब सिर्फ 5,000 बच गया है, बोले सर अभी तो सिर्फ 5,000 ही बचा हुआ है, आपको मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, सीखने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था मेरा पैसे से मैं इंक्रीज हो जाऊंगा। सेम सर, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने 20K से लॉस कर दिया और 5,000 आपके फीस के लिए रखे थे, तब जाके 15,000 15,000 और भी कर लिया था मैंने। चलो थैंक यू एवरीवन। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ होगा, आप डायरेक्टली मुझे फोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जरूर लाइव टाइम तक सब रहेगा मेरा, ठीक है? मैं आगे जो मेरा मेंटर है वो बढ़ाने का कोशिश करूंगा, नारायण मेंटर भी आप लोगों को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Hi everyone, good night. Good night. Good night sir. Winner कौन रहा? हाँ. Winner कौन रहा? Winner बताया नहीं सर ने, पूछना था ना सर. हाँ बोलिए. सर विनर कौन था इस आपने क्लास? ओह सॉरी 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 सॉरी. हाँ एक मिनट भाई, फोन लिया इस नंबर पर, पेमेंट करो 3,500। विजय नागरी जी, ओके, इनका मैं होमवर्क भी आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर अपना मर्जी से कैसे आपको इनको ऑनर कर दिया। विजय नागरी जी, इनको मैं अभी 3,500 ट्रांसफर करूंगा, ओके? मैं इनका जो स्क्रीनशॉट है फर्स्ट क्लास से भी अगर दिखाऊंगा, विजय नाम देखो, मिला ठीक है, VIJAY नागरी, नंबर दे दो मैं तुमको व्हाट्सएप कर देता हूँ, 9158 12 9 8 4 6 ओके, ये इनका एवरीडे का होमवर्क रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा इसमें रहा है, ये पूरा पीडीएफ बना के भी पहले भेजा हुआ है, या एवरीडे हर एक दिन का क्लास होते ही आपने देखे होंगे, उनको व्हाट्सएप कर दो, ये हर एक दिन का उनका शुरू वाला दिन से उनका होमवर्क है। ओके, तो हमने विजय जी को 3,500 उनको रिफंड कर दिए हैं,
एंड ये कंपटीशन मैं पिछले क्लास से ही रखा हूँ ताकि सबके अंदर ये जोश आए कि मुझे क्लास के अंदर टॉपर बनना है और मुझे मेरा जो फीस मैं दिया हूँ उससे मैं 3500 रिटर्न पा जाऊँ। तो ऐसा करता हूँ, ये जो सिस्टम है ये सबको अच्छा लगा होगा एंड आपके अंदर एक कंपटीशन आए ताकि सब लोग मेरे लिए नहीं तो अपने लिए सीखे। ओके, जो मैं कोर्स का फीस दिया हूँ वो मुझे रिटर्न मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमारा स्टूडेंट से स्टूडेंट फीडबैक सुन रहे थे, देख रहे थे, तो मैं लास्टली एंड फास्टली सबसे मैं यही कहूँगा कि मार्केट के अंदर ह्यूज नुकसान करने से पहले सीखिए, मार्केट को पिन पॉइंट को जानिए, फिर ट्रेड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना अपना सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सब लोग सरकार ट्रेडर्स को जाने एंड बाकी जो फ्रॉड एंड धोखा वाला चैनल से बच जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।